हेलो पिला माने ये होची मोर यूट्यूब चैनल है जोड़िया लाइफ जेकेसी क्रिएशन के को तमानो को पुणी थरे स्वागत। देखो पिला माने आज आमे देखिबा षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय भूगोलक बुझला कि नहीं ता भितरे आसीबो अक्षांश और द्राघिमा बुझला कि नहीं। भाग एक आमे अक्षांश विषय रे किछि किछि मात्रा रे देखिनेबा। जदि मोर यूट्यूब चैनल तमानो को भलो लागू थाए ताहले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाया पई जमारु भूलिबे नहीं। तो वर्तमान आम भूगोल बहर तृतीय अध्यायटा को भल भाव देखने भितर आसब भूगोलक बुझला कि नहीं। भूगोलक भितर आमर भूगोलक कहले आम पृथ्वी भू अर्थ पृथ्वी बुझला कि नहीं। पृथ्वी गोटे गोलाकार बुझला कि नहीं। तो गोलाकार तार अक्षांश और द्राघिमा विषय में आम टिकनिक कर देखा। प्रथम आम भूगोलक कहले कौन बुझा। देख भूगोलक कहले पूर्व आम जाने जे पृथ्वीर आकार को पृथ्वी रूप बा भू आकृतिक कहुच्छे। पृथ्वीर ये जो विशाल आकार संबंध में कलना करवा सहज नुहे बुझला कि नहीं। आम जदि देखा तेल पृथ्वीर आकार को आम कलना करना से यार एक अबिकल क्षुद्र प्रतिरूप प्रस्तुत कराएगी नहीं। प्रतिरूप को ग्लोब बा भूगोलक कहुए। आम देखी पाठ पढ़ला बेले सार मैंने कौन करती ना गोटे गोलक टाइप्र गोटे जिनस धरिकी आणिकी आमको देखा जोटा कि आम ग्लोब बोली कहवा कि से भितर कौन करुच्ची ना पृथ्वीटा को सी आमको प्रतिरूपटा को सी गोटे ग्लोब हिसाब से आमको आणिकी देखा बुझला कि नहीं। ए पृथ्वी पृष्ठर विभिन्न भूमि रूप विषय जना जा बुझला कि नहीं। जल स्थल भाग है कि नहीं देश महादेश इत्यादि विषय आम अवस्थित विषय आम जाणी पार्छू। एटा देखु यहाँ हूँ ग्लोवस बुझला कि नहीं। यहाँ प्राय स्कूल थाए है देखापी प्रतिरूप रूप। तापर देख पृथ्वीर उत्तरस्थ प्रांत बिंदु को उत्तर मेरु कहुए। पृथ्वीर उत्तरस्थ उपर मेरुटा को कह उत्तर मेरु। देख एटा है उत्तर मेरु है कि नहीं। एटा है दक्षिण मेरु ठीक ना नहीं। पृथ्वीर उत्तरस्थ प्रांत बिंदु को उत्तर मेरु बा सुमेरु एवं दक्षिणस्थ प्रांत बिंदु को दक्षिण मेरु बा कुमेरु कहुए बुझला कि नहीं। ग्लोब्रे दर्शाई उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु एक दंड द्वारा संयोजित कराए है कि नहीं। दंडटी को अक्ष बोली कहुए। यह दंडटा को कौन कहुच्छे अक्ष बोली आम कही था। प्रकृतरे देख प्रकृत क्षेत्र जदि देखा पृथ्वीर यही परी एक दंड बा अक्ष किछि नाही बुझला कि नहीं। यह एक काल्पनिक अक्ष दंड मात्र। ग्लोबटी जेपरी तार अक्ष चतुर्पार्श्वरे घूरी पारे बुझला कि नहीं। पृथ्वी से हीपरी एही काल्पनिक अक्ष चतुर्पार्श्वरे कौन पश्चिम रु पूर्व को कौन अनवरत घूरी थाए। कुआड़ कुआड़ घूरुची पृथ्वीटा पश्चिम रु पूर्व आड़ घूरी थाए। मन रखा यहाँ है पृथ्वीर यही घूर्णन को कहुच आवर्तन गति। पृथ्वी जो निज अक्ष चारिपाखे जो गिरगिरी होकर बुलू केमी बुलू ना पश्चिम रु पूर्व आड़ बुलू है ये प्रकार जो गतिटा को कहुच आवर्तन गति आम कह बुझिपार। पृथ्वी निजर आवर्तन गति सहित सूर्य चारिपाखे एक निर्दिष्ट पथरे सीए प्रदक्षिण करें बुझला कि नहीं। पृथ्वीर यही गति को कहुच परिक्रमण गति। देख निज अक्ष चारिपाखे गुल्ले आवर्तन गति कहल जदि सी पृथ्वी चारिपाखे जो परिक्रमण करा कक्षपथ बुझला कि नहीं। पृथ्वी सरी सूर्य चारिपाखे जो घूरवाटा है कौन एटा है कक्षपथ। निज अक्षर गुल्ले आवर्तन कहवा जदि सूर्य चारिपाखे घूरला से परिक्रमण कला तेल से कक्ष कह है कि नहीं। से कक्ष पाखे घूर को कहु परिक्रमण गति कहुए। पृथ्वी सूर्य को परिक्रमण करुवा पथ को कक्षपथ बोली आम कह। ग्लोबर अक्षदंड भूपृष्ठ सहित लंब भाव में न रही केमती रोचे ना 66 एक बै 2 डिग्री बुझला कि नहीं। कौन केमती रोचे ना 66 एक बै 2 डिग्री आनती हो रही थाए टे अणी रही थाए। सेपरी पृथ्वीर जो अक्षटा पृथ्वीर अक्ष तहार कक्षतल सहित 66 एक बै 2 डिग्री आनत हो रही थाए बुझला कि नहीं। ग्लोब छोट बड़ विभिन्न आकार होता है बुझला कि नहीं। जदि छोट पिला देखा थे आम छोट मॉडल आम प्रस्तुत कर देख तापर देख तापर कौन कौच ना। ग्लोब छोट बड़ विभिन्न आकार होता है। खूब बड़ आकार ग्लोब अच्छी जहाँकि सहजरे नेबा आनिबा करि हुए ना। जदि बड़ आकृतिर आम ग्लोवस को नेबा ताहले आम भल भाव नेबा आनिबा करि परिबा ना। एपरी छोट ग्लोब मध्य अच्छी जहाँ को सहजरे आम नहीं पारिबा। विभिन्न उपादान रे ग्लोब प्रस्तुत करा जाय थाए यथा शक्त पटिका कागज हो प्लास्टिक रबर मृतिका इत्यादि सबू आम ग्लोवस को प्रस्तुत करि थाउ बुझि पारलो कि नहीं। विद्युत शक्ति द्वारा आलोकित केतक ग्लोवस रे पृथ्वीर भूमि रूप तथा समुद्र तलर भू आकृति जाणी आम पार बुझला कि नहीं।
ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଦେଶ ମହାଦେଶ ସାଗର ମହାସାଗର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଲୋବରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦେଶ ମହାଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାର ଆକୃତି ଦିଗ ହେଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଆଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାକ୍ଷରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ମାନଚିତ୍ରରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଗାରଡ଼ା ଟଣାହୋଇଥାଉଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ମୋଟରେ 179 ସମାକ୍ଷରେଖା ଓ 360 ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। କେତେଟା 179 ସମାକ୍ଷରେଖା ଅଛି ଆଉ 360 ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସମାକ୍ଷରେଖା ମାନେ ଅକ୍ଷାଂଶ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା 360 ହେଉଛି ଦ୍ରାଘିମା, ହେଲା। ଉଭୟ ମେରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମାକ୍ଷରେଖା ଦର୍ଶାଯାଇ ହେଲା ଟଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଲାଧରେ 89 କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଲେଖାଏଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱରେଖାକୁ ମିଶାଇ 179 ସମାକ୍ଷରେଖା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, କିଛି ଅଧବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଅଛି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଖୁଛ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଇଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ କହୁଛି କ'ଣ କେଉଁ ଯାଇ ଯାଇଛି ନା ଏ ମେରୁରୁ ସେ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି। ଆଉ କେତେକ ବୃତ୍ତାକାର ଆକାରରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ବୃତ୍ତାକାର ଆକାରରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ଦେଖୁନୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସିଧା ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଦ୍ରାଘିମା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇକିରି ଅଛି ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ, ସେଇଟାକୁ ହେବ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ, ହେଲା। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସମକୋଣରେ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆ ସହିତ ଏମିତି ମିଶୁଛି ଇଏ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ଏ କୋଣ ଯାହା ହେଉଛି ସମକୋଣ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷରେଖା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା ସମାକ୍ଷରେଖା, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇକି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା, ଆଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା, ବୁଝିପାରିଲ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି କିଛି ରେଖା ଟଣାଯାଇ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ରେଖା କେବଳ କଳ୍ପନା କରିକି ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୃତି ଅବସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁ, ସମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାକ୍ଷରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସମାନ୍ତରଳ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଗ୍ଲୋବକୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ଯେଉଁ ରେଖାଟାକୁ କୁହାଉଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ବା ବିଶ୍ୱରେଖା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ବା ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ମଝିରେ ସମାନ ଥିବ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା, ଦେଖ ଏ ମଝିରେ ଯୋଡ଼ା ଥିବ କି ନା, ଏ ମଝିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ବା ସମାକ୍ଷ ରେଖା, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ଉପରଟାକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ତଳଟାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ବିଶ୍ୱରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବୋଲି କହିବା। କେଉଁଠି କହିଛି ନା ଦେଖ ବିଶ୍ୱରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ହେଲା ରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷାଂଶ କ'ଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ସମାନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସମାକ୍ଷ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ଷାଂଶଟା ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭୂକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଶ୍ୱରେଖା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା ତାହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ କୁହାହେବ ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ଦୂରତା କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଏ ଦୂରତାଟା କୁହାହେଉଛି କୌଣିକ ଦୂରତା, ଯେଉଁ 2 ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ଭିତରେ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱରେଖା ବା ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କହି ଆମେ ବା, ହେଲା କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କିତ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ବା ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବିଶ୍ୱରେଖାଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣିକ ଦୂରତା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଖ ଏ 2 ଇଞ୍ଚ ଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ କୌଣିକ ଦୂରତାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ସବୁଯାକ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ
है उत्तर आड़ नबे डिग्री और दक्षिण आड़ नबे डिग्री होपरी उभय गोलार्धरे अवस्थित स्थानगुड़िकर अक्षांश को दर्शाई थाए। उदाहरण स्वरूप भुवनेश्वर 20 डिग्री 15 मिनट उत्तर अक्षांश रे हला अवस्थित भुवनेश्वर जो अच्छी सेटा 20 डिग्री 15 मिनट उत्तर अक्षांश आड़ अच्छी उपर आड़ अच्छी आम संक्षेपरे 20 डिग्री 15 मिनट उत्तर बोली आम दर्शाई था। ग्लोब को जदि लक्ष्य करवा देखा जे उभय मेरुआड़ को क्रमशः समाक्षरेखा गुड़िकर आकार कमी कमी जाऊँगी जिते आम मेरुआड़ को देखी देखी जावा संकोच हो संकोचन हो जा कमी कमी जाऊँगी ना तापर देख केतक मुख्य समाक्ष रेखा केतक मुख्य समाक्ष रेखा सबुठ बड़ समाक्षरेखा हूँ विश्वरेखा पूरा बड़ सबुठ किए विश्वरेखा यह भूपृष्ठर मध्यभाग अवस्थित होता है उत्तर गोलार्धर 23.1/2 डिग्री समाक्षरेखा को कर्कट क्रांति बोली कहिबा एवं 66.1/2 डिग्री समाक्षरेखा को सुमेरु वृत्त बोली आम कहिबा सेपरि दक्षिण गोलार्धर मध्ये देखिबा जदि 23.1/2 डिग्री और 66.1/2 डिग्री समाक्षरेखा को देख 23.1/2 डिग्री जो समाक्षरेखा अच्छी दक्षिण आड़ को सेटा को हम मकरक्रांति जो 66.1/2 डिग्री जो समाक्षरेखाटा अच्छी कुआड़ दक्षिण गोलार्धर से कहबा आम कुमेरु वृत्त है कि ना ये मन रखिले 23.1/2 डिग्री जदि उत्तर गोलार्ध आड़ रहा है कर्कट क्रांति 23.1/2 डिग्री जदि दक्षिण गोलार्ध आड़ रहा कौन आम कह मकर क्रांति सेमती 66.1/2 डिग्री जदि समाक्षरेखाटा जदि उत्तर गोलार्ध आड़ सुमेरु वृत्त आदि 66.1/2 डिग्री जदि दक्षिण आड़ रहा कुमेरु वृत्त आम कह बुझिपाल तापर देखिबा पृथ्वीर तापमंडल तुम्हें जानिछ पृथ्वीर अक्ष ताहार कक्षतल सहित 66.1/2 डिग्री आनत हो सूर्य चतुर्दिगर परिक्रमण करुथाए तेणु कर्कट क्रांति एवं मकर क्रांति उपरे वर्षकु थरे एवं सेमानंक मध्यवर्ती प्रत्येक समाक्षरेखा उपरे वर्षकु दुई थर सूर्य लंब भाव में पड़े कोठे कर्कट क्रांति और मकर क्रांति है कि ना या फल अंचल सूर्यकिरण कौन हुए ना लंब भाव में पड़ुव सर्वाधिक उत्तापग्रस्त बुझे कि ना से बेस जेहेतु लंब भाव में सूर्यकिरण पड़े तेणुक से अधिक उत्ताप मिली थाए यही अंचल को ग्रीष्ममंडल आम कह उत्तर क्रांति कर्कट क्रांति मकर क्रांति की आम ग्रीष्ममंडल कह कारण से सूर्यंर जो प्रखर किरणटा सीधा सड़क सड़क किरणटा पड़ता है कर्कट क्रांति ठारु सुमेरु वृत्त एवं मकर क्रांति ठारु कुमेरु वृत्त पर्यंत अंचल अवस्थित कौनसी स्थान उपरे सूर्यकिरण लंब भाव में पड़े ना एठारे सौर रश्मिटा अपेक्षाकृत तीजक भाव में पड़े यही अंचल अति शीत बा अति उष्ण अवस्था नथिबारु एहाकु नातिस्तोष्ट मंडल मध्ये कहिबा बुझिला कि ना एठी अधिक शीत हुए ना कि अधिक खरा मध्ये हुए ना हला ए कोटा ए जो आमर सुमेरु आ कुमेरु है तेणुक कौन हो यही अंचल गुड़िक अत्यधिक गरम ना कि अत्यधिक थंडा ना ये अंचल जहाँ आम कह नातिस्तोष्ट अंचल उत्तर गोलार्धर यही अंचल को उत्तर नातिस्तोष्ट मंडल और दक्षिण गोलार्धर यही मंडलटे कहु दक्षिण नातिस्तोष्ट मंडल बोली कहुए कर्कट क्रांतिर उत्तर एवं मकर क्रांतिर दक्षिण को कौन स्थान उपर सूर्य लंब भाव में देखा जाती ना सूर्य यह सूर्यकिरण तीजक भाव में पड़े है कि ना यह अंचल को नातिस्तोष्ट मंडल बोली कह उत्तर गोलार्धर कर्कट क्रांति और सुमेरु वृत्त मध्यवर्ती अंचल और दक्षिण गोलार्धर मकर क्रांति और कुमेरु वृत्त मध्यवर्ती अंचल यथाक्रमे उत्तर नातिस्तोष्ट आउ दक्षिण नातिस्तोष्ट मंडल बोली आम कहीपर देखिपार है देख एटा है उत्तर नातिस्तोष्ट मंडल एटा है दक्षिण नातिस्तोष्ट मंडल है कि ना यहाँ है उत्तर मेरु सरी यहाँ है उत्तर मेरु यहाँ है दक्षिण मेरु दक्षिण मेरु यहाँ है हिममंडल यहाँ भी हिममंडल ये अधिक थंडा टिके पड़ो बुझा कि ना किंतु ये देख ये जो ग्रीष्ममंडल यहाँ मैंने खाली खरा यहाँ सूर्य प्रखर किरण पड़ी थाए विश्ववृत्तर के 23.1/2 डिग्री तल को प्लस 0 डिग्री ये 23.1/2 डिग्री यहाँ सब ग्रीष्ममंडल ये सूर्य लंब किरण पड़ी थाए बुझा कि ना है बुझिपाल तापर उभय गोलार्धर मेरुवृत्त एवं मेरुर मध्यवर्ती अंचल प्रबल थंडा अनुभूत हुए कारण यह अंचल सूर्यकिरण अति तीजक भाव में पड़ता है यह सर्वदा बरभासन थाए यह अंचल द्वय को हिममंडल आम कहीपर आमर उत्तर मेरु
आर्कटिक बा सुमेरु महासागर मध्यरे अच्छी एवं दक्षिण मेरु आंटार्कटिका महादेश मध्यरे अवस्थित लेकिन सेपरि 0 डिग्री रु 30 डिग्री पर्यंत अंचल को आमे निम्न अक्षांश मंडल कहिबा आ 30 डिग्री रु 60 डिग्री पर्यंत अंचल को मध्य अक्षांश मंडल एवं 60 डिग्री रु जो 90 डिग्री पर्यंत अच्छी अंचल सेटाला उच्च अक्षांश मंडल बोली आमे कहिबा। तो ये थिला आमर अक्षांश विषय रे आमे नेक्स्ट क्लास रे भाग दुई रे आमे देखिबा द्राघिमा विषय रे। तो मोर यूट्यूब चैनल टी जो तुम मानको भल लागुची ताहे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाया पई जम्मार बुलेन रहउची। जय जगन्नाथ।